हाय गाइस, वेलकम बैक टू वो फिल्म मेकिंग कोर्स. एंड इन टुडेज़ वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शेड्यूलिंग, फोरकास्टिंग, प्रिकॉशंस, क्लियरेंसेस एंड सेफ्टी ऑन सेट. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हम बात कर रहे थे शेड्यूलिंग की. सो जब भी आपने सारा का सारा जो अभी प्री प्रोडक्शन का हमने प्रोसेस देखा है वो कंप्लीट कर लिया हो, उसके बाद आपने कॉल टाइम्स और शेड्यूलिंग डिसाइड करनी होती है. ये नॉर्मली काम कुछ ज़्यादा कह लें कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है. आप लोगों ने डेट्स निकाले हैं जिनके ऊपर आप लोग शूट करना चाह रहे हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों ने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके जो क्रू मेंबर्स हैं या आपके जो सीन्स वगैरह हैं उनकी लोकेशंस, उनका खाना पीना, उनके इक्विपमेंट गेयर और कास्ट एंड क्रू, वो सारे एक ही जगह पर अवेलेबल हों. ये कहने में आसान है लेकिन ऐसा होता नहीं है, और थोड़ी सी चीज़ें आती हैं यूटिलाइजेशन की तरफ से. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे कुछ सीन्स हैं जो एक लोकेशन पर शूट हो रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल हो सकता है या पुलिस हो सकता है, तो ड्रामे या स्टोरी में हो सकता है वो चीज़ें बहुत आगे पीछे हो रही हों या उनकी टाइमलाइन बहुत डिफरेंट हो. लेकिन जब आप शूट करने होते हैं तो आपने पैसे बचाने होते हैं, तो आप एक दिन में एक लोकेशन में जहाँ पर जितने भी सीन्स होने हैं वो आप एक ही साथ शूट कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ आपने कॉन्टीन्यूटी का ख्याल रखना होता है. अब कॉन्टीन्यूटी क्या है? कॉन्टीन्यूटी ये है कि अगर मैंने किसी सीन में ये शर्ट पहनी थी और इसी शर्ट में मैं अगर स्टोरी में कहीं बाहर गया हूँ तो मैं बाहर यही शर्ट पहनूँगा. और जैसे अगर एक ही हॉस्पिटल में सारे टाइमलाइन के सीन शूट हो रहे हैं तो उनके फिर आप ड्रेसिंग चेंज करोगे. तो ये शेड्यूलिंग एक जो प्रोसेस है कॉल टाइम देने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम एडीज़ वगैरह ये लोग चीज़ें कर रहे होते हैं, और शेड्यूल कॉल बनाने के बाद शेयर की जाती है टीम से जिसके ऊपर हम लोग शूट करते हैं. इसमें कुछ आपने छुट्टियाँ भी डालनी होती हैं ताकि टीम जो है वो ईजी फील करे अगर लंबा शूट है. उसके अलावा आपने कुछ सेफ्टी डेज भी रखने होते हैं, फ्री स्पॉट्स रखनी होती हैं अगर कोई मिसअप हो जाए तो आप जो है वो डेट्स आगे पीछे कर सको. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके बाहर कहीं शूट हो रहा है जिसमें वेदर कहीं इस तरह से इफेक्ट कर सकता है, तो आपने फोरकास्टिंग करनी होती है, वेदर देखना होता है अपनी लोकेशंस का ट्रैवलिंग के लिए भी, ताकि आपकी शेड्यूलिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट हो. उसके अलावा कुछ आती है सेफ्टी. अब सेफ्टी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है सेट के ऊपर. आप अगर किसी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे शूट कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारा सेफ्टी गियर पहने और उसके बाद शूट करें. अगर आप लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, फायर यूज़ कर रहे हैं, स्पेशल इफेक्ट्स हैं, एक्सप्लोसिव्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आग लगा रहे हैं, तो ये इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रॉपर सेफ्टी के बाद ये चीज़ें यूज़ करें. और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा भी यही है, और ये अगर आप प्रैक्टिस अपने छोटे से शूट्स में करना शुरू करेंगे तो आपको आगे इसका काफ़ी फ़ायदा होगा. उसके बाद आती है आपकी कोविड से रिलेटेड सेफ्टीज़, आपके SOPs, और स्पेशली हरासमेंट इश्यूज़ आ जाते हैं सेट्स के ऊपर. हमारी इंडस्ट्री आगे ही बदनाम है काफ़ी ज़्यादा. सो बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग कुछ स्पेसिफिक SOPs रखें आपके खाने को लेके, आपके बिहेवियर को लेके, आपकी ड्रेसिंग को लेके, और आप एक अच्छी एग्जांपल सेट करें. उसके अलावा आपके पास आ जाती हैं प्रिकॉशंस. प्रिकॉशंस आर अनदर सबसेट ऑफ सेफ्टी, जिसमें आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर आप कोई स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सेफ़ हों, वहाँ पर आपके पास एम्बुलेंस और हेल्थ फर्स्ट एड किट मौजूद हो, ताकि अगर आप कोई भी मिसअप होता है तो आप उसको जो डैमेज है उसको मिनिमम कर सके और कंट्रोल कर सके. सो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने करनी होती है. इसके साथ साथ आती है क्लियरेंसेज. फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस्लामाबाद में कहीं शूट करना है और वो लोकेशन काफ़ी प्रोमिनेंट है तो चांसेस हैं कि आपको CDA से जो है वो उसकी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, या आप पहले टाउन में कहीं शूट कर रहे हैं, या आप किसी पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट अदारे के आगे कर रहे हैं, तो क्लियरेंसेज एक उसका पार्ट है और इसका हिस्सा है जो आप को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के सूरत में चाहिए होता है. और बहुत ही ज़रूरी है कि आप इवन ड्रोन अगर फ्लाई करें किसी ऐसे एरिया में तो आप उनकी क्लियरेंसेज लें, आप NOC लें, और उसके बाद आप जो है वो शूट को कंडक्ट करें. सो ये कुछ सेफ्टीज़ थी, कुछ शेड्यूलिंग से रिलेटेड चीज़ें थी, और इसके अलावा कुछ क्लियरेंसेज से रिलेटेड चीज़ें थी जो आपने मेक श्योर करनी होती हैं शूट से पहले. सो हम शूट के बहुत करीब आ गए हैं. इसके अलावा एक और वीडियो है आपके लिए, आप ज़रूर देखिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत से ख्याल रखिएगा. थैंक यू.